हालिया हुई बारिशों की वजह से तहसील मंडी में फसलों को हुआ भारी नुकसान। लोगों ने की एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की फसलों के नुकसान का लिया जाए जायजा। गगड़िया से हूँ मैं। आज की इस गर्व रिवायत से जो कहने जा रहा हूँ, हमारी बदकिस्मती यह है, पहले तो पाकिस्तान से जो भी गोलाबारी हमारे इलाके में होती थी, फसलें बर्बाद होती थी। इस साल प्रेसिडेंट म्यूनसिपल कमेटी सुरनकोट की अध्यक्षता में आज सुरनकोट में किया गया मीटिंग का आयोजन, तमाम काउंसलर थे मीटिंग में मौजूद। की तरफ से एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें तमाम काउंसलर हजरात ने आज यहाँ पर शमूलियत की है। सबसे बड़ी बात तो यह है, मैं मिनिस्टर सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ अर्बन लोकल बॉडीज का, कि जिन्होंने हमें जो है वो फंड प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि बस अड्डा के अंदर हमारा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है, एक खाड़ी मल्ला में हमारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है, और 40 लाख रुपये का हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ITI के पास जो है वो बनने जा रहा है। इसके लिए मैं जो है मिनिस्टर सेक्रेटरी साहब का और अर्बन लोकल बॉडीज डायरेक्टर्स का शुक्रिया करता हूँ। जहाँ तक बीती रात हुई भारी बारिश की वजह से राजौरी में कई इलाकों के लोगों को करना पड़ रहा है भारी नुकसान का सामना। राजेश शर्मा सनफ राजकुमार सेवा जी गिर का रहने वाला हूँ। जे 2 दिन से बारिश बहुत तेज हो रही थी, उससे के कारण ये मकान गिर गया है। इसमें 10-12 पशु थे, तो एक भी ठीक नहीं है, तो जो बहुत चोट लगी है। तो सरकार से यही अपील करता हूँ कि हमें कुछ मदद की जाए, बहुत गरीब आदमी है। बारिश के कारण राजौरी के दरिया में पानी का स्तर बढ़ने से नौशहरा प्रशासन ने दरिया के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और लोगों से कहा कि वो दरिया के आसपास ना जाएं। देखिए, मैं आपके माध्यम से सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमने अपने तरफ से सरपंचों, लंबरदार, चौकीदार और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी जितने भी गांव हैं हमारे नौशहरा डिवीजन के अंदर दरिया के साथ जो लग रहे हैं उनको अलर्ट कर दिया। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर नौशहरा में आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें पैदल मार्च निकाला गया। ADC नौशहरा सुखदेव सिंह समयाल, ASP नौशहरा अमित वर्मा भी थे मौजूद। और आज़ादी से पहले जो हमारी हालत थी, भारत वासियों की हालत जो थी बड़ी दयनीय थी, क्योंकि जब हम हिस्ट्री देखते हैं, पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं या कोई मूवी देखते हैं, तो अंग्रेज लोग जो थे हमारे पर जुल्म करते थे, और हमारे फ्रीडम फाइटर्स जिनका हम आज भी गुणगान करते हैं, उन्होंने अपनी जान देकर देश को आज़ाद कराया। और इसमें जो रोल है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, और साथ में डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जम्मू एंड कश्मीर, जिनकी वजह से हम इस प्रोग्राम को यहाँ पे आयोजन कर रहे हैं। एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नौशहरा अमित वर्मा ने इस कार्यक्रम में आए हुए लोगों से किया खिताब। बहुत बहुत शुक्रिया। 75 साल आज़ादी के हो गए, हमें याद रखना है उन लोगों को जिन्होंने हमें ये दिन दिए कि आज हम गिन रहे हैं कि हमें 75 साल इस बिल्कुल इंडिपेंडेंट और खुशनुमा वातावरण माहौल में हम जीते। हम मेरे ख्याल में अपने सारे उन शहीदों का, उन लीडर्स का जिन्होंने अपने टाइम से अपनी चीज़ों की कुर्बानी दी, और हमारे लिए ये टाइम हमें
शोपिया में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना की अध्यक्षता में किया गया एक रोजा पार्टी कन्वेंशन का आयोजन। भारी तादाद में लोगों ने अलग अलग पार्टियों को छोड़कर रविंदर रैना की अध्यक्षता में बीजेपी में की शमूलियत। सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ है कि गोलीबारी नहीं होगी, इंटरनेशनल बॉर्डर हो या एलओसी हो जम्मू कश्मीर के अंदर, वो उड़ी हो, बारामूला हो या रजौरी, पुंछ, सांबा, आरएसपुरा, जम्मू हो, कठुआ हो, वहां सीज फायर तो किया गया है, लेकिन एक लगातार पाकिस्तान की तरफ से साजिश हो रही है। बांडीपुरा के अलौसा गांव में क्लोर ब्लास्ट होने की वजह से पूरे गांव में पानी भर गया, जिसके कारण काफी रिहायशी मकानों को हुआ नुकसान। बानवे बटालियन सीआरपीएफ की ओर से मिडिल स्कूल करलकुंड हंदवाड़ा में लगाया गया मेडिकल कैंप, लोगों में की गई मुफ्त दवाइयां तकसीम। आज यहाँ करालगुंड में मेडिकल कैंप जो हुआ है वो आर्मी के वसादत से हुआ है, वसादत जो है हम बहुत खुश हैं। ऐसे अगर ये हर गांव में हो जाएगा तो बेहतरी हो जाएगी, क्योंकि मतलब इससे गांव को, लोगों को फ़ायदा मिलता है, लोग खुश रहते हैं। इससे हम सीआरपी कैंप अफसर से गुजारिश करते हैं कि अगर हर गाँव